वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात करने लगा हूँ। आजकल मेन प्रॉब्लम हमें पता है क्या आ रही बुल्गारिया के लिए, जो इंडिया में लोग हैं ना वो कह रहे सर हमें जल्द से जल्द बुल्गारिया का प्रोसेस करवाना है, तो वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस वीजा हो जाए, टूरिस्ट वीजा हो जाए। बट क्या एडवांटेज है बिजनेस वीजा के और क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगा। सो वॉच दी होल वीडियो, आई होप जो गलती लोग कर रहे हैं वो नेक्स्ट गलती आप अपने साथ ना करें। इट्स अवेयरनेस वीडियो एज यू ऑलरेडी नो दैट कि मैं अवेयरनेस के ऊपर ही ज़्यादा वीडियोज बनाता हूँ कि आपके साथ ये चीज़ ना हो जाए जो बाकियों के साथ हो रही है, और एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। एंड सो वॉच द होल वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस वीजा की कैटेगरी होती है टाइप सी। एंड आपके पासपोर्ट पे जब वो पासपोर्ट पे स्टैंप होगा ना वहाँ पे टाइप सी लिखा जाएगा, इससे आपको पता चल सकता है। और उसके बाद वहाँ पे आपको हमेशा सिंगल एंट्री ही मिलेगी, मल्टीपल एंट्री मिल सकती है अगर आपके पास बुल्गारिया के पहले के टूरिस्ट वीज़ा हैं या बिजनेस वीज़ा हैं। और आफ्टर द थर्ड थिंग इज दैट उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है वो होता है 6, 8, 14, 20, नॉट मोर देन 22 डेज। और उसके बीच में ही हमें वापस यहाँ पे आके वापस जाना पड़ता है। बट इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, कोई आपको अगर बोले कि मैं आपका 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए में बिजनेस वीजा अप्लाई कर देता हूँ और आपको शेनिगन वीजा मिलेगा, वहां पे जाके आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं, तो इट्स अ फेक थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी का एग्जांपल देता हूँ, दो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स ही बोलूंगा, एक दो क्लाइंट्स मैं हमारे नहीं क्लाइंट्स है किसी और के थे, तो उन इंडिया में किसी एजेंट ने उनको बोला कि बिजनेस वीजा पे आपको भेज देते हैं, बुल्गारिया शेनिगन आ चुका है, शेनिगन के नाम पे लोग पैसे कमाते हैं। 7 लाख रुपए उनसे लिया एक वीजा का, यहाँ पे एंट्री करवाई, एंट्री करवाने के बाद उसको भेज दिया फ्लाइट लेने के लिए स्पेन बार्सिलोना की। एंड वो जब बंदा वहां पे गया और सीधे उसको डिपोर्ट किया उन्होंने। क्यों डिपोर्ट किया? द मेन थिंग इज दैट आपका वीजा शेनिगन नहीं है। अगर आप बुल्गारिया शेनिगन में आ गया दैट डजंट मींस कि आपके पास शेनिगन वीजा है। इंडिया में कोई एजेंट आपको बोलेगा कि बिजनेस वीजा लेके चले जाओ, इट्स अ शेनिगन वीजा, तो दैट्स अ फेक थिंग। टूरिस्ट वीजा पे भी सेम इम्प्लीमेंट होता है, आप इंडिया से टूरिस्ट वीजा यहाँ पे लगा के आएंगे। अगर आपको लगता है, आजकल लोगों का दिमाग बड़ा तेज है, लोग पता क्या सोचते हैं कि टूरिस्ट वीजा लेके चले जाते हैं, 2 महीने में आ जाएगा और अपॉइंटमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीजा लेके हम सीधे आगे चले जाएंगे। वो भाई डिपोर्ट करते हैं, अगर डिपोर्टेशन देखनी है तो कभी किसी से पूछना किसी का बिजनेस वीजा लगा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बिजनेस वीजा यहाँ पे लगते हैं वो ये चीज को समझ सकते हैं, और आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं आप अब बुल्गारिया में अगर आ चुके हैं बिजनेस वीजा पे तो क्या फील कर रहे हैं, आपको पता है कि इन दी एंड क्या ही होना। दूसरा ऑप्शन जो मैं सबको बोलता हूँ कि ये इसी वे से जा सकते हैं, दैट्स द इनलीगल वे, मैं उसके बारे में शेयर नहीं कुछ करना चाहता हूँ, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे रहने का, और इंडिया ही जाओगे, और इंडिया अगर नहीं जाना तो हमें यहाँ से आगे जाने के लिए कोई अलग स्टेप उठाना पड़ेगा। अलग स्टेप उठाने की जरूरत ही नहीं अगर हम यहाँ पे वर्क परमिट पे आ जाएं, लॉन्ग स्टे डी वीजा लेके आए कि ज्यादा टाइम तक हम यहाँ पे रह सकते हैं। क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? 7 लाख रुपये बंदे ने लगाया 1 महीने, 7 लाख रुपये में सिर्फ वो बुल्गारिया ट्रैवल करने आया और दोबारा इंडिया चला गया। इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। दिमाग को खोलें, बुल्गारिया का वर्क परमिट 7 लाख का नहीं लगता, स्टडी वीजा 7 लाख का नहीं लगता। मैं जो स्टडी वीजा लगाता हूँ मैं ओपन चैलेंज करता हूँ किसी को, मेरे से सस्ता स्टडी वीजा करवा के दिखा दें आप। इंडिया में लोग 8, 8, 9, 9 लाख रुपए ले रहे हैं स्टडी वीजा का, जब मैं 1 साल 1.5 साल से बोलता हूँ कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, डायरेक्ट अप्लाई कर लो, हमें क्या। मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप डायरेक्ट अप्लाई कर लो, मेरी जितनी फीस है छोटी सी फीस है वो मैं क्यों लूंगा, मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, नॉलेज के साथ साथ मैं आपकी एडमिशन भी करवाऊंगा। अगर मैं एडमिशन करवा रहा हूँ कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ आपसे, डायरेक्ट अप्लाई करवा रहा हूँ, तो मैं अपने चार्जेस तो लूंगा आपसे, दैट्स अ कॉमन सेंस। कोई भी फ्री वर्क नहीं करता, मैं फ्री एजुकेशन दे देता हूँ, कंसल्टेंसी फ्री दे देता हूँ, बट वर्क के मैं भी चार्जेस ही लेता हूँ सर। चार्जेस नहीं लेंगे तो मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूंगा, कैसे लाइफस्टाइल होगा मेरा, कुछ भी नहीं होगा। हार्डवर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो इन दी एंड इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था, टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा, बुल्गारिया के इन दोनों वीजेस पे आप ना अप्लाई करें। कोई आपको बोलेगा अप्लाई करें, तब तक ना अप्लाई करें जब तक ये बुल्गारिया के शेनिगन डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाते। जो फॉर्म होता है ना, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उससे ही पता चल जाएगा कि आप बुल्गारिया का कर रहे हैं और शेनिगन वीजा अप्लाई कर रहे हैं। बुल्गारिया बेशक शेनिगन में आ चुका, अभी लैंड बॉर्डर्स नहीं ओपन हुए हैं,
तो ये गलती मत करना कि फ्लाइट लेके आगे जाने को गलती करना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे को कोई फोन आता, मैं बोलता हूँ वकील। लॉयर किसको बोलते हैं? लॉयर उसी को बोलते हैं जिसके पास वेज हैं। ये इंडिया में एजेंट्स होते हैं, यहाँ पे उसको लॉयर बोलते हैं। सो सर, लॉयर की जरूरत सबको पड़ती है। मेरा खुद का लॉयर है, मैं खुद भी लॉयर हायर किया हुआ है मैंने। क्यों? मेरे को कई डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं तो मैं लॉयर से काम करवाता हूँ। बाकी मेरा बताना फर्ज है, इस बात को मानना ना मानना इट्स ऑल अप टू यू। अभी दो बंदों के पैसे खराब हुए हैं, 10 के होंगे, हमें क्या? मैं थोड़ी अर्न कर रहा हूँ, या मेरे को थोड़ी तुमने पैसे दिए, अपने एजेंट को दिए तो एजेंट को बोलना। मैं तो आपके पैसे बचा रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो बच रहे हैं कि मेरे को दे दो। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट फ्री नॉलेज। फ्री नॉलेज मिल रही है, 5 मिनट, दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 मिनट सुन लेंगे। सो इट्स बेटर फॉर यू, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस साल बुल्गारिया का वीजा सक्सेस रेट क्या है एंड स्टडी वीजा के बारे में। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।